जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज हम आपको जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है और यह लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 8 महीने यहां पर लगातार बर्फबारी होती है और आज यहां के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड साहिब में विराजमान कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 4 महीने के लिए खुलती है और देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सिख श्रद्धालु यहाँ पे मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है। 7 पहाड़ियों के बीच में हेमकुंड साहिब विराजमान है और यहाँ पे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जो 10वें अवतार थे उन्होंने तपस्या की थी। आज सुबह सबसे पहले यहाँ पे आर्मी का बैंड जो है वो यहाँ पे पहुँचा और सुबह से ही तैयारियों में जुटा। बहुत ही उत्साहित हर कोई दिखाई दिया। देश के कोने कोने से सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के जो अंतिम अरदास है, जो अंतिम आज इस वर्ष की अंतिम यात्रा का अंतिम दिन है, इसमें मत्था टेकने पहुँचे थे। बहुत ही उत्साहित पल। कल शाम को यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज मौसम ने एकदम साथ दिया और चटक धूप के साथ ही थोड़ी सी गर्मी का एहसास यहाँ पे मिला, ताकि कपाट बंद के दौरान किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एकदम ऊंचाई पर ये स्थित है और यहाँ पे गुरुद्वारा है और बगल में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण का भी एकमात्र मंदिर यहीं पे मौजूद है और पवित्र सरोवर यहाँ पे है। इसमें स्नान करके ही सिख श्रद्धालु यहाँ पे मत्था टेकते हैं। आज इसके कपाट बंद हुए और अंतिम अरदास यहाँ पे की गई, उसके बाद यहाँ पे कपाट बंद हुए और ये गुरुद्वारे के अंदर का दृश्य है। यहीं पे लोग मत्था टेकने पहुँचते हैं क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह है और सिख श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी आस्था के साथ पहुँचते हैं। 19 किलोमीटर की बहुत ही कठिन यात्रा के बाद ये देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, फिर भी यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत जिगर चाहिए, क्योंकि ये बहुत, हम भी गए हैं लेकिन बहुत मुश्किल होती है यहाँ पहुँचने में। एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, दूसरी ये ऊंचाई पर है, ऐसे में यहाँ पे जाना, दर्शन करके वापस आना, मत्था टेक के वापस आना बहुत मुश्किल होता है। जो यहाँ पे पहुँचता है बहुत ही भाग्यशाली होता है। हालाँकि यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी जगह पर आपको नहीं मिल सकता है। इस समय यहाँ पर जो यहाँ के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, सेवा सिंह जो मैनेजर है वो भी पहुँचे थे और भारतीय सेना यहाँ पे रास्ता भी बनाती है वो भी यहाँ पे थी। हर कोई आज इस अवसर पे पहुँचा था और जब यहाँ के कपाट खुलते हैं तो 20 से 30 फीट बर्फ यहाँ पे देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा बर्फ होती है हेमकुंड साहिब में। जब कहीं बर्फ देखने को नहीं मिलती है तब हेमकुंड साहिब में 20 फीट की बर्फ देखने को मिलती है, ऐसा हमने भी देखा है। और ये वो स्थान है, आज यहाँ पर अंतिम अरदास और गुरुवाणी पढ़ी गई, उसके बाद आज यहाँ के कपाट बंद कर दिए गए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में विराजमान कर दिया गया है। जो यहाँ पे ग्रंथी हैं ये इसी गुरु ग्रंथ को पढ़ते हैं, यहीं पे अरदास होती है, हर कोई इसी को सुनने के लिए यहाँ पहुँचता है और आज यहाँ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब अगले वर्ष मई के महीने में फिर से कपाट खोले जाएंगे। इस बार पहली बार यहाँ पे 11 अक्टूबर को कपाट बंद किए गए, इससे पहले 10 अक्टूबर को ही यहाँ के कपाट बंद होते थे और यहाँ पे बर्फबारी अक्टूबर में ही शुरू हो जाती है और जनवरी तक तो ये पूरी तरह से ढक जाता है। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सिख श्रद्धालु पहुँचे थे और आप देख सकते हैं ये जब कपाट बंद होते हैं तो कैसी प्रक्रिया होती है। ये आगे से सबसे पहले पंच प्यारे जो है वो निशान साहिब को लेकर जा रहे हैं। पंच प्यारों के पीछे गुरु ग्रंथ आती है, पंच प्यारों की अगुवाई में जब कपाट खुलते हैं तो यही प्रक्रिया होती है, पंच प्यारों की अगुवाई में आते हैं और पंच प्यारों की अगुवाई में ग्रंथी साहिब गुरु ग्रंथ को पकड़ अपने सिर पर रख कर लेके आते हैं और ये अब यहाँ से जो गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब का जहाँ अरदास पढ़ी जाती है वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब बाहर आ चुकी है और पंच प्यारों की अगुवाई में अब ठीक गुरुद्वारे के नीचे वाली मंजिल में सचखंड साहिब है वहाँ पे विराजमान किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है।
ये देख सकते हैं, ये ये जो गुरुद्वारा है उस पे को बंद कर दिया गया है। यहाँ से अब गुरु ग्रंथ सचखंड में चली गई है और ये पवित्र सरोवर, इसी का स्नान करके ये लक्ष्मण गंगा यहीं से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। और ये कपाट बंद होने के बाद का दृश्य है, बहुत ही अद्भुत अपने आप में। सबसे ऊंचाई पे स्थित ये गुरुद्वारा है और यहाँ का दिव्य नज़ारा, क्योंकि ये एक बहुत ही दिव्य और पवित्र स्थान है। कपाट बंद होने के बाद सबको यहाँ पे प्रसाद बांटा गया और हर कोई उत्साहित है, क्योंकि यात्रा इस बार बहुत ही अच्छी यहाँ की रही, सफल समापन हो गया है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई बाधा नहीं आई इस बार की यात्रा में। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।